दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह से। अभी बज रहे हैं सुबह के 9। तो आज मेरी ड्यूटी है 2 बजे से, तो मैंने सोचा क्यों ना आज व्लॉग का स्टार्ट अभी किया जाए। तो 1-2 दिन से ना मैंने व्लॉग भी नहीं डाले हैं, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है एडिट करने का। तो व्लॉग बहुत सारे शूट करके रखे हुए हैं, लेकिन एडिट करने का टाइम नहीं है, तो इस वजह से फिर मैंने डाले भी नहीं है। तो सोच रही हूँ कि आज डालती हूँ अपने दोनों व्लॉग, 31st का भी और 1st का भी। तो देखिएगा आप लोग जरूर। तो अभी 9 बज रहे हैं और बहुत ही ज्यादा ठंडा हो रहा है। कोहरा इतना ज्यादा हो रहा है कि काम करने का कुछ भी मन नहीं हो रहा, उठने का भी मन नहीं हो रहा है बिस्तर से। तो उठने को तो मैं उठ गई थी वैसे 6:30 बजे, लेकिन बैठी रही मैं। कुछ थोड़े बहुत ब्लॉग का एडिट वगैरह कर दिया है, थोड़ा सा वॉइस ओवर करनी है, तो उसमें देखती हूँ मैं कब करती हूँ। तो पहले मैं आपको मौसम दिखाती हूँ यहाँ का कि कैसा हो रखा है। तो चलिए, तो ये देखिए आजकल सुबह सुबह का मौसम ऐसा हो रहा है, चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो ठंड बहुत ही ज़्यादा हो रखी है और कूड़े वाला जो है नगर निगम की गाड़ी, उसकी आवाज़ मुझे सुबह 5 बजे से सुनाई दे रही है और अभी तक भी सुनाई ही दे रही है। तो कल भी इस मौसम के चक्कर में कुछ भी काम नहीं किया। ये सोचा कि चलो मौसम खुल जाएगा तो थोड़े बहुत काम निपटा लेंगे, लेकिन कल भी ऐसे रहा, आज भी ऐसे ही है। 3-4 दिन से ऐसे ही हो रहा है। और उस टाइम पे 5-6 दिन बाद तो 2 दिन पहले धूप आई थी और फिर से आज वैसे ही। तो यार कपड़े भी पहने, कितने पहने, इतने कपड़ों में ना काम भी नहीं होता है और ना उठने का भी मन नहीं हो रहा है बिस्तर से। और जो इतने कोहरे में ना छींके आने शुरू हो जाती हैं फिर, तो इस वजह से भी नहीं हो पाता है काम। तो अभी अगर मौसम खुलेगा तो 12 बजे के आसपास खुलेगा, अगर खुलेगा तो। और तब तक वही काम कितने दिन तक जो ना करेंगे। कल भी मैं सुबह चली गई थी, शाम को आई तो फिर ये मौसम रहा, तो घर पूरा फैला हुआ है। तो अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं किधर से स्टार्ट करूं। तो चलिए फिर, काम तो स्टार्ट करना ही है, तो एक कमरे से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर करते हैं काम की स्टार्ट। तो ये जो मैं सब्जियां लाई थी ना, ये भी सब यहीं पे रखी हुई हैं, अभी फ्रिज के अंदर नहीं रखी और साफ भी नहीं की है। तो फ्रिज भी बहुत ही ज्यादा गंदा हो रहा है, पूरा साफ करने वाला हो रहा है फ्रिज। तो आज मुझे लेट ही जाना है, तो सोच रही हूँ मैं फटाफट से ये फ्रिज भी साफ कर दूंगी। तो पहले अंदर के काम निपटाती हूँ, फिर करती हूँ उस फ्रिज को साफ। तो अभी मैं यहाँ पे सबसे पहले लगा रही हूँ बेडशीट, जो वूलन वाली है वो, क्योंकि मैंने जो कॉटन वाली बेडशीट है वो धो दी है। और ये तकिया ना अननेसेसरी बाहर निकले हुए हैं, इनका कोई यूज़ नहीं है। परसों जब अभी लोग आए थे तब निकाले थे मैंने, तो फिर ना सारे तकिया वकिया जो यूज़ करने वाला सामान भी नहीं है, वो भी सारा ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से मैंने फिर वो तकियाएँ भी बंद कर दी हैं। तो अभी मैं बिछाने वाली हूँ ये वाली बेडशीट। तो इस वाली बेडशीट को भी 3-4 साल हो चुके हैं हम ये बेडशीट लेके आए थे मनाली से, और काफ़ी अच्छी निकली है ये वाली बेडशीट, और गर्म भी काफ़ी होती है अभी तक भी। और तो पिल्लो वगैरह पे भी कवर लगाने थे, वो भी मैंने लगा दिए हैंड टू हैंड ही। जब कर रही हूँ इस काम को तो फिर पूरा ही करके छोड़ दूंगी। और तकियाओं पे भी मैंने कवर लगा दिए हैं। तो बस आजकल जो रजाई वजाई है वो फोल्ड नहीं होती है, मैं तो ऐसे रख देती हूँ रजाई को। तो बोलते हैं कि इस टाइप से अगर रजाई रखो तो गर्म रहती, बिस्तर गर्म रहता है, तो इस वजह से मैं भी फिर ऐसे ही रख देती हूँ, आजकल फोल्ड नहीं कर रही हूँ। तो इसी रजाई के ऊपर मैंने एक कंबल और लगा दिया है। तो बस ये वाला रूम भी हो गया है सेट। तो ये कपड़े धोने के लिए निकाल रखे हैं मैंने, ये धोने हैं तो इनको मैं बाहर रख दूंगी। तो इस रूम के लिए भी कल रजाई निकालनी पड़ी, नहीं तो हम अंदर वाली रजाई लेके आ जाते थे, इसी में बैठ जाते थे। लेकिन इस वाले के लिए भी मैंने रजाई निकाली, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। गर्मियों में ये कमरा रहता है ठंडा और ठंडियों में तो और भी ठंडा, तो इस वजह से मुझे निकालनी पड़ी रजाई। क्योंकि यहाँ पे फिर वो भी है ना, खिड़की भी है, भले बंद रहती है लेकिन हवा तो आ ही जाती है। तो अभी भी कोहरा नहीं छटा है और पाला इतना पड़ रखा है ना इन खिड़कियों पे। तो इतना काम करते करते
गर्मी जैसे लगने लग गई थी इसलिए मैंने टोपी हटा दी, क्योंकि खुजली होती है ना फिर अगर जैसा गर्मी लगती है। और बालों में मैंने तेल लगा रखा है, मुझे बाल भी वॉश करने हैं। तो चलो सबसे पहले बनाते हैं चाय, चाय पीते हैं, 9:30 हो गई है। और दिन के खाने का भी कुछ इंतजाम करते हैं। और कल रात को भी मैंने बर्तन नहीं धोए थे, वो वैसे रखे हुए हैं, क्योंकि पानी इतना ठंडा आ रहा था कि हिम्मत ही नहीं हुई मेरे बर्तन धोने की। मैंने कहा छोड़ो सुबह धो लूँगी। तो बस ड्यूटी जाने का मुझे ऐसा नहीं था, मुझे ये था मैं सुबह जाऊँगी, लेकिन मुझे सुबह मैसेज आ गया था कि 2 बजे ड्यूटी है तो तभी आना। तो मैंने कहा चलो ये भी ठीक हो गया, अपना काम तो निपट जाएगा कम से कम, फिर काम भी काफ़ी ज़्यादा हो रखा था। तो चलो पहले चाय बनाते हैं, चाय के साथ देखते हैं कुछ खाते हैं, भूख लग रही है क्योंकि। तो चलिए फिर। तो चाय बनाते बनाते मैंने फ्रिज भी खाली कर दिया है, कुछ सामान यहाँ रख दिया है, कुछ यहाँ बाहर पे रखा हुआ है। और चाय तो बन गई है, ये हो रहे हैं ब्रेड गरम, तो यही है मेरा नाश्ता आज का। तो यहाँ पे मैंने फ्रिज साफ़ कर दिया है और शेड्स बिछा दी हैं। तो जब ये शेड्स बिछाई रहती हैं ना, तो इनका एक बेनिफिट ये है कि शेड्स बिछा के आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है फ्रिज साफ़ करने में, बस वही वही शेड साफ़ करनी पड़ती हैं। तो बस अभी मैंने कर दिया है फ्रिज साफ़, और जो दाल वाल के डिब्बे थे वो रख दिए हैं। और यहाँ पे जो ये नीचे वाला पोर्शन होता है ना फ्रिज का, उसमें एक बास्केट जैसी बनी हुई है, उसमें लोग तो मतलब रखते हैं टमाटर, वो प्याज आलू, लेकिन मैं नहीं रखती हूँ उसमें, क्योंकि पानी फिश का जब निकलता है ना तो वो सारे ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं टमाटर, तो टमाटर मुझे 15 रुपये किलो मिले थे, तो मैं 2 किलो टमाटर लेके आ गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो फ्रिज में रखने से अच्छा मैं इन्हीं में डाल देती हूँ। तो आजकल तो सब्जियां वब्जियां ज़्यादा ख़राब नहीं होती हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है तो बाहर भी रख सकते हैं सब्जियों को। तो बस मैंने इसलिए यहाँ पे रख दिए हैं टमाटर। तो ये बास्केट भी मैंने धो दी थी, तो इसमें थोड़ा सा पानी लगा हुआ था, तो मैंने सोचा कि उन्हें ऐसे गीले कपड़े से साफ़ कर दिया जाए, नहीं तो फिर हरी सब्जियाँ रखूँगी इसके अंदर तो वो ख़राब हो जाएंगी। तो ये मैंने साफ़ कर दी है, तो ये मैं लेके आई हूँ पालक और सॉरी मेथी। तो पालक भी लेके आई हूँ, 2 गट्ठे पालक की लेके आई थी और 4 गट्ठे मैं मेथी की लेके आई थी। और ये मैं लेके आई हूँ बीन्स। तो मैंने माइक लगा रखा था लेकिन माइक ने काम ही करना बंद कर दिया बीच में, तो मैं वही बता रही थी आप लोगों को कि मैं बीन्स लेके आई हूँ। तो माइक का भी कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे लगाते लगाते ऑफ हो जाता है, पता नहीं क्या उस पर मतलब चार्जिंग नहीं रहती है तो तब भी हो जाता है, या फिर उसका जो दूसरा वाला एडाप्टर है वो नहीं लगा होता ढंग से तब भी वो काम नहीं करता है। तो ये मैं प्याज भी लेके आई हूँ, और प्याज मुझे 20 रुपये का ये सारा प्याज मिल गया था, तो मैंने सोचा कि चलो ले जाते हैं। चीले वीले भी अच्छे लगते हैं प्याज के, और प्याज की सब्जी भी बहुत अच्छी लगती है। तो ये मैं लेके आई हूँ मूली। तो मैं लेके आई थी कीनू, और वो कीनू इतने बेकार निकले कि मतलब मैंने आधा ही खाया और आधा ऐसे वेस्ट हो गया, क्योंकि पता नहीं वो कैसे, उसमें रस भी नहीं था और मीठे ना खट्टे कुछ ही नहीं हो रहे थे वो, तो बहुत ही बेकार हो रहे थे। मैं तो शक्ल देख के लेके आ गई कि भाई अच्छे हैं बाहर से लग रहे, लेकिन वही है कि इतने गंदे निकले, इतने गंदे निकले। और मैं लेके भी आई हूँ तो 2 किलो लेके आ गई थी, लेकिन अब उनकी ना खटाई वटाई बनानी पड़ेगी, मतलब नमक मिर्च डाल के अब किसी दिन छत में जब धूप का इंतज़ार करना पड़ेगा उसके लिए, तो देखेंगे कब आती है धूप और कब बनता है। तो बस अब लगा रही हूँ मैं फ्रिज का सारा सामान, और इतने में चली गई है लाइट। तो लाइट का बड़ा टेंशन रहता है यहाँ पे, जब तक मतलब थोड़ा सा व्लॉगिंग स्टार्ट करो तब तक लाइट गायब हो जाती है। तो चलिए करती हूँ मैं अभी फ़िलहाल लाइट का वेट, और मैं मिलूँगी फिर आपको थोड़ी देर में जब लाइट आ जाएगी, तब तक मैं बाहर के काम निपटाती हूँ। 11:30 बज गए हैं और अब खुल रहा है मौसम, अब थोड़ी थोड़ी धूप आने लग गई है, तो लाइट अभी भी नहीं आई है। और मैंने सोचा कि मैं फटाफट से कुछ और तैयारी कर लेती हूँ, तो अभी मैं काटती हूँ मेथी और
आटा गूंद के रख दूंगी। तो जो जो काम मेरे यहाँ पे हो सकते हैं उजाले में वो मैं कर लूंगी, और बाकी मैं फिर बाद में करूंगी जब भी लाइट आएगी। तो चलिए फिर मेथी काटी जाए पहले, फिर मिलती हूँ मैं आपको। तो मेथी काटने के बाद मैंने यहाँ पे आटा भी गूंद के रख लिया है। तो जब तक मैं बर्तन धोने पे लगी तब तक लाइट भी आ गई है, और पानी मैंने लगा दिया गर्म करने के लिए, आने के लिए, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है यहाँ पर। जब लाइट जाती है तो दो दिन, दो दो तीन तीन घंटे तक फिर लाइट आती नहीं है। तो अभी मैंने बर्तन बर्तन साफ किए, और क्या कहते हैं, ये जो बाल्टियाँ हैं चावल चावल की, ये सारी खाली हो रखी हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इनको भी धो के रख दूँ सुखाने के लिए, और फिर जब राशन आएगी तो इन पर भर दी जाएगी। तो अभी इनको भी साफ कर देती हूँ मैं। तो अभी मैंने खाने वाने का कुछ नहीं किया, मतलब बाहर का पोछा वोछा लगाया रूम्स का, और किचन अभी ऐसे रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं थी तो अंधेरा रहता है, तो इस वजह से। तो बाहर का तो काम निपट गया है, बस किचन ही किचन का रह गया अब करने के लिए। तो फटाफट से सब्जी वब्जी छौंक के, क्योंकि शाम के लिए भी मुझे अभी करना पड़ेगा, शाम को आते आते मतलब 7:30 8:30 ऐसे हो जाते हैं, तो इसलिए। एक ये बाल्टी तो धुल गई है, अब धुलती हूँ दूसरी वाली बाल्टी। तो जो आटे वाली बाल्टी होती है ना, वो ज़्यादा गंदी होती है क्योंकि आटा इधर उधर फैल जाता है। तो इन बाल्टियों को मैं भार रख देती हूँ मशीन के ऊपर, तब तक ये जब शाम को जब तक आऊँगी तब तक ये सूख जाएंगी। तो अभी मैं सब्जी बनाने वाली हूँ। ये गोभी के डंठल रखे हुए थे थोड़े से, और बीन्स रखी हुई है थोड़ी सी, तो इसी में मिक्स करके बना रही हूँ मैं। और इसी में मैं दो आलू काटूँगी, और आज की सब्जी यही होगी। तो ये पुरानी रखी हुई थी बीन्स भी, तो इसी में मिक्स करके बना रही हूँ। तो एक दो आलू भी काट देती हूँ सब्जी में, तो टेस्ट आ जाता है फिर। तो गोभी के डंठलों की सब्जी बहुत ही अच्छी होती है, मतलब पहले हम बहुत बनाते थे, लेकिन यहाँ पे अमित तो खाते हैं नहीं, इस वजह से मैं कम ही बनाती हूँ फिर। पर यह है कि थोड़ा सा जैसे मिक्स करके बना दो ना तो खा लेते हैं फिर, तो इसलिए मैंने बीन्स भी इसी में डाल दी। और क्या कहते हैं, इसे थोड़ा से क्या तो ये थोड़ी सी मेथी बच गई है जो मैंने मतलब आटा गूंदा था उसमें। तो अभी जो फ्रिज में रखने वाला जो सामान है ना, वो भी अभी थोड़ा भारी है, तो उसको भी रखना है अभी। तो धीरे धीरे जब तक मतलब प्रेशर में तेल गर्म होता रहता है, तब तक मैं क्या करती हूँ, फटाफट से जो फ्रिज में रखने वाला सामान है उसको रख देती हूँ। तो ऐसे में ना मेरे काम फटाफट से निपट भी जाएंगे, और मैं भी टाइम पे फ्री हो जाऊँगी। और पानी भी गर्म हो गया है मेरे नहाने का वैसे तो, लेकिन पहले मैं किचन का सारा काम कर दूंगी तभी नहाऊंगी, फिर कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो सब्जी छौंकते छौंकते मैंने जो सामान फ्रिज में रखना था वो भी रख दिया है, और टाइम भी देखी जा रही है कि कितना हो रहा है, तो 1:45 हो गए हैं। तो मुझे अब फटाफट से निपटाना पड़ेगा काम, क्योंकि टाइम नहीं है इतना अभी मुझे, मतलब यहाँ पे भी संभालना है बहुत कुछ, तो थोड़ा मतलब रफ्तार पकड़ के काम करना पड़ेगा। तो जब दिन वाली ड्यूटी होती है ना, तो उसमें ऐसे ही होता है कि घर के सारे काम निपट जाते हैं, और इतना ही काम मतलब मुझे, जब सुबह जाती हूँ मैं 8 बजे और 4 बजे आती हूँ, तो इतना ही काम मुझे फिर शाम को करना होता है, तब बच जाते हैं रात के 10। तो कम से कम इसमें यह तो है कि दिन में अभी सारे काम निपट गए हैं, और बस ये है कि शाम को आके खाना ही बनाना है और कुछ नहीं करना है, तो ये सहूलियत रहती है दिन में जाने में। तो ये 4 टमाटर मैं इसलिए काट रही हूँ क्योंकि ये ना खराब हो गए हैं, ये टमाटर तो मतलब ज़्यादा पक गए हैं, तो इनको सब काट देती हूँ क्योंकि फिर ख़राब हो जाएंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है रख के। तो ये सब जाएंगे इसी सब्जी में। बल्कि मतलब एक दो तो खराब हो ही गए हैं।
सब्जी छौंक दी है, इसे मिक्स करते हैं और थोड़ी देर के लिए, 1-2 सीटी लगाने के लिए छोड़ेंगे इसे। तो प्रेशर में मैंने इसलिए बनाया क्योंकि गोभी के जो डंठल होते हैं ना वो थोड़े से हार्ड होते हैं, तो वो फट 1-2 सीटी में पक जाते हैं और कढ़ाई में थोड़ा टाइम लगता है, इस वजह से मैंने इसी में बना ली। तो चलिए अब लगाते हैं इसमें ढक्कन। तो यहाँ पे फिर से मैंने ये लगा दिया है, तो इसी में मैं आलू प्याज फैला दे रही हूँ क्योंकि अंदर इतनी जगह नहीं होगी, तो यहीं से फैला दिया है। और थोड़े से गीले हो रखे हैं ये प्याज, तो ये सड़ भी सकते हैं अगर एक साथ ही रखेंगे, तो यहीं पे फैला दे रही हूँ। इस तरीके से मैं यहाँ पे आलू भी फैला दूंगी। शाम से फुर्सत में ही होगा साथ, तो इसको भी मैं यहाँ पे रख दे रही हूँ। तब तक शाम को अगर टाइम लगेगा तो साफ करूंगी, वरना रहने दूंगी। तो इतना करते करते ना थकान लग गई है बहुत, चैन नहीं आता है मतलब एक भी दिन। तो यहाँ पर भी अभी खूब खिचड़ी पकी हुई है फ्रिज के ऊपर, तो इसको भी मैं सब इस टोकरी में जमा कर रही हूँ, फिर छांटूंगी क्या क्या सामान चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो हर किसी के फ्रिज के ऊपर शायद ऐसा बना रहता होगा क्योंकि बाहर से जो भी आता है ना तुरंत इसके ऊपर सामान रख देते हैं और फिर उसकी जगह पे रहता नहीं है, तो कवर भी धो नहीं है मुझे, इसलिए मैंने सोचा कि फटाफट इसे खाली भी कर लेती हूँ। तो ये जो कैलेंडर है ये भी अब पुराना हो गया है, तो इसका भी कोई काम नहीं है, तो ये भी जाएगा कूड़े में और यहाँ पे लगेगा दूसरा कैलेंडर, तो ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ है। तो जो फ्रिज का कवर है वो तो मैंने खाली कर दिया है, उसे टेबल में रख दिया है, और इसके ऊपर मुझे दूसरा कवर लगाना है, लेकिन थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। ढूंढना भी मतलब क्या भारी अलमारी पे होगा, तो वो मैं लगाऊंगी शाम को। अभी इसे थोड़ा सा साफ करना है, लेकिन कपड़ा ढूंढ रही हूँ थोड़ा सा, मतलब ऐसा कपड़ा चाहिए इसको साफ करने के लिए पतला सा, क्योंकि इसमें स्क्रैच ज़्यादा जल्दी पड़ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले किससे साफ करते हैं, तो सोच रही हूँ मैं इसी से साफ कर देती हूँ, फिर ये भी धोना ही है। तो नहाना कर दिया है, रोटी वोटी भी बना दी है, और ये रहा मेरा लंच। तो थोड़ी सी मैंने चाय भी बना दी है क्योंकि चाय पीने का मन हो रहा था, तो बस 10 मिनट रह रखे हैं 2 बजने में, देखिए, और बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाती है। तो फटाफट से मैं करती हूँ लंच और मैं आपको मिलूँगी अब शाम को। तो चलिए फिर मिलती हूँ।